इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप जो एक दूसरे के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, एक अमेरिका में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, दूसरा पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है। दोनों पर होने वाले हमले में ऐसी क्या ममासलत पाई गई कि जिसके सामने आने के बाद जो देखने वाले थे, जो एक्सपर्ट्स थे पूरी दुनिया के, वो बड़े हैरान हुए। और ये पहली स्टोरी है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है जिसमें बुशरा बीबी की मिन्नतें तरले किए गए डील के, लेकिन वो साफ इनकार हो उन्होंने कर दिया, जिसके बाद दोबारा उनकी नैब के हाथों गिरफ्तारी डलवाई गई, वो स्टोरी, उसके बिहाइंड जो रियलिटी है वो आपके सामने रखेंगे। इस स्टोरी में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसने इस वक्त दुनिया को, जिसने इस वक्त एक्सपर्ट्स को बड़ा हैरान कर दिया है। सबसे पहले इमरान खान पर एक हमला होता है और उस हमले में सामने से गोलियां चलती हैं और उस गोलियों में इमरान खान साहब ज़ख्मी होते हैं। और एक शख्स जो उस जलसे में मौजूद था, जो इमरान खान का हामी था, वो जान की बाजी हार जाता है। सेम ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब खिताब करने आए, उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ किया, सामने से गोलियां चलीं, डोनाल्ड ट्रंप ज़ख्मी हुए। एक शख्स उस जलसे में, वो जो वहां पे जो शुरका मौजूद थे उनमें से एक जो है उसको गोलियां लगी और एक जाँबहक हो गया। उसके बाद जो दूसरी है वो ये है कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान को, ख़ास तौर पर तोशाखाना की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर जो दीगर केसेस डाले गए करप्शन के, उनको अगर देखें, और इसी तनाजुर में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का, आपको याद होगा कि फाश फिल्मों की एक अदाकारा है स्टॉर्मी डैनियल, उनको जो है वो पैसों के एवज़ जो है वो तोहफे तहफ़ देने के एवज़ खामोश रखने के लिए जो है वो, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन पर जो है एलिगेशन लगे हुए थे वो सब आपको मालूम है। तो एक तरफ तोशाखाना केस था, दूसरी तरफ स्टॉर्मी डैनियल वाला केस था। तो आपने देखा कि इस वक्त दोनों लीडरों में जो है वो ममासलत पाई जा रही है। एक जो उन पर आए केसेस थे उनमें ममासलत, दूसरा उन पर जो हमला हुआ, चाहे वो इमरान खान साहब पर हुआ या अब डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है, उनमें ममासलत। और इसके बाद तीसरी और ऐसी ममासलत के जिसने इस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया है, वो ये है कि दोनों की फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है, पीक पर पहुंच चुकी है। ख़ा वो इमरान खान के चाहने वाले हों, ख़ा वो डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वाले हों, आप इस वक्त देखें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह इमरान खान के चाहने वाले इमरान खान को लेकर जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, सेम इसी तरह अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वाले किसी भी हद तक जो है वो उसको लेकर जाने को तैयार हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो आप कह लें कि एक किस्म की पॉपुलैरिटी पीक पे पहुंची हुई है, तो इससे जो है वो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी ख़ास तौर पर वो लोग, अब आप ये बात तस्लीम करें, आपको ये पहली बात ये समझना पड़ेगी कि किसी भी मुल्क की निज़ाम है या किसी भी मुल्क की जमहूरियत है तो वो कंप्लीट जो है वो इंटरफेरेंस से पाक नहीं है। किसी न किसी जगह पर जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ज़रूर असरअंदाज होते हैं। तो वहाँ पर भी, अमेरिका में भी जो मुतवस्सित तबके हैं, वो जो ताकतवर तबके हैं, वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ना आए। और सेम कहानी पाकिस्तान में भी है, यहाँ पर भी जो ताकतवर तबके हैं वो ये कभी भी नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा बैक टू पावर आए। ये बड़ी एक ममासरत जो है वो दोनों इस वक्त जो लीडर्स हैं उनमें पाई जा रही है। इसी चीज़ को लेकर दुनिया बड़ी हैरान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जेल काटी, इमरान खान साहब अभी जेल में हैं। तो बड़ी ममासलत इन लीडर्स में पाई जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर ये इन फ्यूचर दोनों जो है एक तरफ अमेरिका के सदर बन जाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो तारीख में पहली मरतबा इतनी पीक पर जाएंगे जो माजी में कभी नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो ये है कि बुशरा बीबी की खूब मिन्नतें तरले किए गए, क्योंकि उन वो एक इद्दत वाला जो कल केस था, उस केस से जो है वो बाइज्जत बरी हुई, और इमकान ये जाहिर था कि बुशरा बीबी जो है वो पाबंद सलासल जो हैं वो जेल से रिहा होंगे। लेकिन एन वक्त पर जो है वो, जब उनके ऑर्डर्स लेकर जो है वो टीम अडियाला जेल जेल में पहुँचती है, तो उससे चंद मिनट पहले ही जो है वो बुशरा बीबी पर नैब जो है वो गिरफ्तारी डाल चुका होता है, और गिरफ्तारी उन पर जो है वो तोशाखाना केस में, नए तोशाखाना केस में, पहला पुराना तोशाखाना केस नहीं, ये कोई नया तोशाखाना केस है। इस नए तोशाखाना केस में जो है वो बुशरा बीबी पर दोबारा जो है वो गिरफ्तारी डाली जाती है। लेकिन इस गिरफ्तारी के डालने से पहले खूब मिन्नतें तरले किए गए, खूब मिन्नत समाजत की गई,
कि किसी भी तरह जो है वो बुशरा बीबी हमारे साथ डील के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन वो बाहिम्मत खातून और आप कह लें कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो डटी हुई हैं और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि मेरा जीना मरना जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही है।